बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम विवर। मोहम्मद उमर विले फूड टेस्ट एंड टूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। विवर, सर्दी का जोर शोर है और जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसका एक प्याला साथ हो और एक कप चाय का हो तो क्या बात है। विवर, आज हम जो आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं वो है जी गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो जी विवर, आइए आपको दिखाते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और ये किस तरह बनाई जाएगी। विवर, गाजर के हलवे के लिए जो हमें अज़ा दरकार हैं वो हम ले आए हैं। कुछ हमें मिले हैं तो कुछ नहीं मिले, जिस तरह से कि गांव में इधर हमें रसगुल्ला नहीं मिला और ये जो ड्राई फ्रूट भी नहीं मिले, तो लेकिन हम अब इसी से गुजारा करेंगे। 2 किलो हमने गाजर लिया है और तकरीबन 1/2 किलो जो है हमारा खोया है और ये 300 ग्राम चीनी है और 2.5 लीटर दूध है। तो अभी हम सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे गाजरों को। बिस्मिल्लाह। हमारे साथ नहायत ही मुअज्जज मेहमान बैठे हैं, ये साथ साथ काम से बैठ रहे हैं। हाँ भी आसान बेटा, मजेदार है। प्यामर क्या बना रहे हैं? गाजर का हलवा बना रहे हैं यार। अच्छा चलो ठीक है, ये फिर दोबारा आपका टुकड़ा आने वाला है। और लेना बस ये तो खा लो। हाँ ये ठीक, चले आपको हलवा भी खिलाएंगे। ठीक है, अच्छे से छुट्टी चली। अच्छा मसीह बहुत पढ़ा नहीं जाना? जाना, मैं तेरा हलवा घर भेज दूंगा। ना अभी तू हलवा खा के जाना। हूँ चलो मेरा पता, हलवा खा के फिर चला जाए। ठीक है, चल छुट्टी मंगा लवा। चलो पर सारे दी पर उस्ताद केड़ा ना की सर उस्ताद दा उस्ताद जी। चलो गाजर जो है हमारी ग्रेट हो चुकी हैं, तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आग जो हमने जला ली है, गाजरें हमारी ग्रेट हो चुकी हैं। तो अभी जो है हम इसे डालेंगे कढ़ाई में। सबसे पहले जो है आपने इसको बगैर मिल्क के थोड़ा सा फ्राई करना है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले जो है आपको गाजरों का पानी जो है आप इसको खुश कर लेंगे, उसके बाद दूध जो है वो अच्छी तरह और जल्दी खुश होगा।
बाजार में है जोकर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आपने हमारे चैनल विलेज फूड टेस्ट एंड टूर को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। माशाल्लाह से जो है हमारा बनने के नजदीक हो चुका है ये गजरेला देखें। लीवर हम खोया इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे क्योंकि दूध जो था वो ज़्यादा था, 2 किलो गाजर में 2.5 लीटर था, तो इसलिए हम खोया इसके ऊपर लेप करेंगे लेकिन इसे अंदर नहीं डाल रहे हैं। पर यहाँ पे भी बार आपने एहतियात करनी है, यहाँ पे आपका जो हलवा है आपकी सारी ठीक कराई मेहनत जो है खाई में गिर सकती है क्योंकि यहाँ पे नीचे लगेगा। जी बेटा क्या हुआ, सड़ गया और की ना ज्यादा बता रही है। तो जी व्यूअर यहाँ पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 300 ग्राम ऐड कर रहा हूँ मैं, आप उसमें जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर इस स्टेज पे आके जब ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो जाए तो आपने इसमें जो है देसी घी मक्खन जो भी आपको मैसर हो, कोई भी घी मैसर हो, आपने ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच। हमने देसी घी इस्तेमाल किया, इसका ये फ़ायदा कि ये नीचे नहीं लगेगा ज़्यादा और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और दानेदार भी बनेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी हमारा गाजर का हलवा जो है बड़ा ही दानेदार और ये देखिए कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी, कितना गाढ़ा और कितना दानेदार तैयार हो चुका है। तो अभी जो है हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे और बाहर के बच्चों को करेंगे सर्व गार्निश करके। तो जी व्यूअर हमारा गाजर का हलवा जो है हो चुका है रेडी गर्मा गर्म, अभी हम इसे कर लेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे जो है माशाल्लाह हेलो अभी बच्चों को सर्व करना है कोई मसला नहीं जी, जनाब इनकी भी मेहनत होती है हमारे साथ पूरी पूरी, तो ये इन्हीं के लिए है। कोई भी ज़र्रा कोई भी दाना आपने छोड़ना नहीं इसे इसमें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीवर हलवा जो हमने गाजर का गर्मा गर्म कर लिया है जी गार्निश, अभी हम लगे हैं जी बच्चों को सर्व करने। तो बच्चे हमारे साथ हैं माशाल्लाह, काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ ही, तो लाजमी बनता है अब तो सर्व करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
देखें व्यूवर कितनी गर्मा गर्म भाप निकल रही है। बेटा करीब लाओ, ये देख सकते हैं आप, देखें कितनी गर्मा गर्म भाप निकल रही है। तो व्यूवर टाइम हमारे पास थोड़ा शार्ट था, तो इसलिए हमने जो है इसमें साथ में बच्चों को देना था एक एक प्याला दूध पत्ती का, लेकिन टाइम इतना था नहीं हमारे पास, लिहाजा अभी हम थोड़े जल्दी में थे। और ये देखें माशाल्लाह देसी तरीके का बनाया हुआ ये खोया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उधर से देख सकते हैं। जी बेटा टेस्ट करें। शाबाश, हम भी बच्चों के साथ ही टेस्ट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और लजीज टेस्ट है विवर। असल में जो हमने इसके ऊपर ये होम मेड खोया डाला हुआ है, इसने जो है इसका जायका दुबला कर दिया है, क्योंकि जो बाज़ार से मिलता है वो खोया पता नहीं कहाँ से दूध आता है, किस तरह बनाया जाता है, ये हमारे हाथ का खुद का बना हुआ खोया है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है। जी बेटा आपको भी मज़ा आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी, कैसा महसूस किया आपने बाजारी से और इस तरीके से बनाए हुए? ये अच्छा है। ये अच्छा, अच्छा अच्छा, चले खाएं। व्यूअर ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है हमें। हम ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है कि कोई हम आपके लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, तो आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।